देख सकते हैं आप मोदी जी तमाम कैंडिडेट से जो हैं वो मिल रहे हैं, और जिस तरह से बात करें तो अब मोदी जी जो हैं वो अपना ये चुनावी रैली जो है वो ख़त्म करके वापस जाते हुए और तमाम कैंडिडेट्स को जो है वो यहाँ पर जो है वो उनसे मिल रहे हैं, और कितनी संख्या में आप देख सकते हैं लोग भी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और मोदी जी को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे सारे लोग। फिलहाल हम आपको लोगों से भी बातचीत कराएंगे, तो लोग यहाँ पर हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा लगा उनको आज का मोदी जी का भाषण। फिलहाल जो लोग यहाँ से अभी निकलेंगे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा आज का। और मैम कैसा लगा आज मोदी जी का बहुत अच्छा लगा मोदी जी का भाषण हमें सुन के, और आपको पता है कितनी सारी स्कीम्स पहले भी दी हैं तो आगे भी देते रहेंगे। ये अदर्स पार्टी जो है ना ये सिर्फ मतलब कि बोल सकती हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, पहले दो ना, पहले दो, बाद में क्यों, मतलब कि हम आपको वोट देंगे फिर उसके बदले में आप दोगे, वो भी हमें यकीन नहीं है। 70 साल पहले इन्होंने क्या दिया, जो भी दिया हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया, बाकी किसी ने दिया ओनली फॉर बीजेपी बस। मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस ने बार बार ये दावा किया है, प्रूफ मांगे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करो, आज ही वो दिन है जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, क्या कहेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक कोई नहीं होगी, कोई कुछ नहीं है, जो सब कांग्रेस वाले अदर्स पार्टी वाले सब बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी सिर्फ बीजेपी सरकार ही आएगी, ओनली फॉर बीजेपी सरकार। मोदी जी आज बहुत बड़ी बातें करके गए हैं, मोदी जी तो हर बार बहुत बड़ी बातें करते हैं, वो है ही बहुत बड़ी महान हस्ती है, वो बहुत बड़ी बातें क्या, अगर वो बातें करते हैं ना तो वो बातें सच भी करते हैं। आज महिलाएं बिल्कुल सक्षम है, घर से बाहर निकली है, किसकी बदौलत, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की बदौलत। 33% कोटा किसने दिया महिलाओं को, किसने दिया, ये मोदी जी ने। क्या अभी भी कुछ बताना बाकी है, ये अदर्स पार्टी वाले चुपचाप करके अपने घरों में बैठ जाए, नहीं तो उनकी जमानत रद्द हो जाएगी। ये स्टेटहुड की बात करते हैं विपक्षी पार्टी कांग्रेस एनसी, आज मोदी जी खुद भी क्या कर गए हैं कि कौन देखा था तो वो हम ही हैं। ये इन्होंने तो बातें, मैंने आपको पहले बोला इनकी बातें बहुत बड़ी होती है, बट ये करके कुछ नहीं देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जो भी है हमारी बीजेपी सरकार ही करेगी, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ही करेंगे, वे बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, इन बातों पर वो खरा भी उतरते हैं। तो देखिए फिलहाल लोगों में काफी ज्यादा उत्साह इस समय जो है वो देखने को मिल रहा है, और इस उत्साह इस समय मैम क्या कहेंगे, आप पहुंचे थे यहाँ पर सुबह से मोदी जी का इंतजार कर रहे थे, काफी बड़ी बातें करके गए। सर ऐसी बात है कि मोदी जी जो बातें होती हैं वो दिमाग से करते हैं, उठनी बातें नहीं करते हैं, उनकी एक एक पॉइंट पकड़ा जाए, उनका एक एक पॉइंट जो हमारा 1-1 करोड़ के बराबर है। आज उन्होंने दोबारा हमें पब्लिक वालों को बोला है बिजली फ्री होगी, जीरो बैलेंस आएगा, सब कुछ होगा, हमारी बहनों को हम जम्मू में इतनी सुरक्षित है, मोदी जी के कारण सुरक्षित है, आज हमारी बहनों को गैस चूल्हे मिल रहे हैं, हर चीज मिली है, ये मोदी जी की बदौलत से हमें मिली है, हम मोदी जी की जितनी तारीफ कर रहे हैं इतनी कम है हमारे लिए, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जी की जय। क्या कहेंगे आप? चलिए जी, महिला में काफी ज्यादा खुशी की लहर, और महिला इस समय काफी ज्यादा खुश, और अब यहाँ पर गाना बजाना भी जो है वो शुरू हो चुका है, और देखिए सेल्फीज भी यहाँ पर ली जा रही है, क्योंकि ये महिलाएं जो है वो सुबह से मोदी जी का इंतजार करते थे कि वहां पर नाच गाना भी हो रहा है, वहां पर भी जाने की कोशिश करेंगे। देखिए उत्साह इस समय लोगों में काफी ज्यादा, और भी भारत भाजपा के महिला मोर्चा के कार्यकर्ता भी इस समय, मैम मोदी जी आज काफी बड़ी बातें करके गए हैं, चेहरे पे खुशी है, सुबह से इंतजार कर रहे थे, क्या कहेंगे जी? बिल्कुल, ये मोदी है, ये घर में जाकर ठोकता है, तो आज मोदी जी हमारे सामने है, नेतृत्व हमारा स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं जनता से अपील है कि बढ़ चढ़कर वोट डालें। और मोदी जी ने जिस तरह से कहा कि तीन परिवारों से लोग बहुत ही काफी देर से इनका अत्याचार लोगों ने बर्दाश्त किया है, और आज एक पूर्ण तरह से हमारा हिंदू मुख्यमंत्री जो है हमारा मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, क्योंकि जो विकास ने अपनी गति पकड़ी है वो विकास इसी तरह आगे बढ़े और जम्मू कश्मीर में शांति स्थिरता जो है इसी तरह बनी रहे। इस बार जम्मू के लोग कहना चाह रहे कह रहे हैं कि जम्मू का सीएम बने, क्या लगता है आने वाले समय में बनेगा जिस तरह से इतना जनसलाब आज बनेगा? बिल्कुल बनेगा, आप देख रहे हो हम अपनी सारी सीटें एक अच्छी बहुमत के साथ हम जीतेंगे, और जम्मू कश्मीर में हमारा मुख्यमंत्री भी बनेगा, क्योंकि जनता समझ गई है कि इन लोगों के क्या मंसूबे हैं। उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो कहते हैं विकास हुआ ही नहीं? विकास दिखता है, जिनकी आंखों में परेशानी हो उनको हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आंखें खोली और देखिए विकास आपके सामने है। विपक्ष बार बार कहता है कि स्टेट रूट का दर्जा हम देंगे, क्या वो झूठ है? मोदी जी खुद कह रहे हैं हम
स्टेटहुड देंगे। अमित शाह जी खुद कह रहे हैं, पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कहा है कि हम स्टेटहुड देंगे। तो एक गलत धारणा फैलाना, गलत नेगेटिविटी फैलाना, झूठ फैलाना, ये इन लोगों की आदत है, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आज भी खुद बोल के गए हैं कि हम स्टेटहुड देंगे, तो स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगा। क्या लगता है आपको, ये ऐसा प्रधानमंत्री है जो महिलाओं के लिए भी सोच रहे हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे अधिक प्यार महिलाएं करती हैं। आज भी ऐसी कई स्टेट्स हैं जब मोदी जी कहते हैं कि जो साइलेंट वोटर है वो महिलाएं हैं, क्योंकि वो जानती हैं पुरुष किसी न किसी बहकावे में आ सकता है, लेकिन महिलाएं समझती हैं कि जिसने हमें प्यार किया, जिसने हमें आशीर्वाद दिया, जिसकी योजनाओं के माध्यम से आज हमें लाभ मिल रहा है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इसलिए बढ़ चढ़ के अपना आशीर्वाद जो है प्रधानमंत्री। अब आखिरी फेज है, 40 सीटों पर चुनाव होने वाला है, क्या कहेंगे आप जम्मू की जनता? बिल्कुल, ये आखिरी फेज की तो 40 के 40 सीटें जो है वो हमारे पक्ष में है। मैं जनता से अपील करूंगी कि अगर आज जम्मू कश्मीर में इसी तरह से आज हम देख रहे हैं जो डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है, योजनाओं की कोई कमी नहीं है, और लगातार एक ऐसी सरकार जो आपके लिए काम कर रही है, एक स्ट्रांग नेतृत्व आपके पास है, क्योंकि ये मोदी है, मैं फिर कहूंगी ये मोदी है, ये घर में घुसकर मारता है, तो इसलिए ऐसा नेतृत्व, स्ट्रांग नेतृत्व जो कहते हैं वो करते हैं, तो इसलिए मोदी जी को वोट डालिए, हमारे सभी प्रत्याशियों को वोट डालिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की। लाइनें डोगरी में बोलो, अस डोगरे आ आखने आशाने करने, अस डोगरे आ आखने आशाने करने, अस जीती आने जंगा कम साने करने, अस डोगरे आ आखने आशाने करने, भारत माता की जय। क्या कहेंगे मैम? हम कहते हैं कि हम भाजपा के साथ जाएंगे। चलिए जी, यहाँ पर एक गाना भी प्यारा सा सुना दिया गया है, हम असी डोगरे हैं। तो इस बार काफी उम्मीद है भाजपा को कि क्या भाजपा जो है वो अपना परचम यहाँ पर लहरा पाएगी। और भी लोग हैं, युवा भी यहाँ पे पहुंचा है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर। वो स्टंट बड़े हॉट में बहुत फायदा दे रहे हैं मोदी जी की सरकार, हमें एसटी कैटेगरी भी मिली, उससे अब हमें जॉब लेना आसान हो गया है, बहुत ही मदद मिली मोदी जी की, थैंक यू सो मच। क्या उम्मीदें हैं इस बार मोदी जी से? इस बार मोदी जी से उम्मीद है कि राष्ट्रहित, राष्ट्र विकास होगा, जम्मू कश्मीर के रोजगार को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को अति से अति रोजगार मिलेगा, अच्छी डेवलपमेंट होगी, रोड यहाँ पे, जब हम पुंछ से जम्मू आते थे पहले तो हमें 2-3 दिन लग जाते थे, आस्ता आस्ता अब रोड डेवलपमेंट हो रहा है, 8 घंटे से अब 4 घंटे ही लगेंगे। मोदी जी ने बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मोदी जी ने एक बड़ी बात कही है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, घर में घुस के मारते हैं। हाँ, मोदी जी बहुत ग्रेट हैं, वरना पाकिस्तानी तो हमें वहाँ पे, हम तो पुंछ बॉर्डर के साथ रहते हैं, वहाँ पे तो दिन भर गोलाबारी चलती रहती थी, पर जब के मोदी जी आए हैं वहाँ पे, मोदी जी ने डबल स्ट्राइक करवा के वहाँ पे बहुत अच्छा मोड, अब हम बहुत शांतिपूर्ण। कैसा लगा मोदी जी से आज, मोदी जी को पास लगा? हम बहुत खुश हैं, हम तो चाहते हैं मोदी जी जीते हैं। जी, यहाँ पर भाजपा के तमाम समर्थक यहाँ पर पहुंचे थे, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, तो वो यहाँ पर पहुंचकर जो है वो लगातार मोदी जी को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचा था, और उम्मीदें मोदी जी से एक बार फिर लोगों को हैं। अब 8 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा कि आने वाले समय में किसकी सरकार होगी। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में राय जरूर साझा करिएगा, और हम आप लोगों तक ये भी बातें पहुँचाएंगे कि क्या कुछ आज मोदी जी ने जो है वो खास बातें जो है वो यहाँ पर की हैं, उन बिंदुओं पर भी जो है वो हम नजर डालेंगे और आप लोगों तक बातचीत पहुँचाएंगे। फिलहाल देखते हैं अर्ज न्यूज़ के नाम पर सलामित के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।